जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अघोर कथाओं में आमतौर पर मैं वो घटनाएं आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे साथ घटित होती हैं, या फिर कोई गुरु, कोई साधक, कोई गुरु भाई के साथ घटित होती है, तो वो घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। आज की कथा थोड़ी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन इसमें भी अघोरी है, इसमें भी भगवती है, इसमें भी महादेव है। तो बात कलयुग के अघोरी की ना करते हुए इस बार हम बात करेंगे द्वापर युग के अघोरी की, ठीक है? और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कलयुग के अघोरी पर। माँ तारा जो तंत्र थोड़ा फॉलो करते हैं, जिन्होंने बुद्धिस्ट वज्रयान और ये सब देखा है, उनको पता है कि बहुत सौम्य रूप में माँ तारा बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके बैठती है, और माँ तारा के रूप के ही अलग अलग नामों को उनमें सरस्वती, लक्ष्मी, इस तरह से माना जाता है। हमारे यहां भी जो माँ तारा का मूल विग्रह था वो बड़ा सौम्य था, वो माता के स्वरूप में थी। माँ तारा कौन हुई? महादेव ने हलाहल पी लिया, विष पी लिया, और उनके जो कंठ में उसके बाद जो जलन पैदा हुआ, उसको इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज शांत नहीं कर पा रही थी। तो महामाया माँ भगवती तारा के रूप में उन्होंने प्रादुर्भाव लिया, ठीक है? और भगवती ने महादेव को बालक के रूप में स्थापित करके, एक छोटे से बालक के रूप में उनको स्तनपान कराया। तो भगवती महामाया के दूध से महादेव के जो कंठ में जलन था वो समाप्त हुआ। वो जो भगवती का रूप है उसी को दूसरी महाविद्या यानी तारा माना जाता है। तो अगर आप तारापीठ जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भगवती का एक चांदी का मुकुट है, एक चांदी का मुखौटा है, जिसमें कि जीभ निकला हुआ है, जैसे भगवती काली का निकला होता है और चारों तरफ मुंह में खून लगा रहता है। तो एक भगवती जो सौम्य स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, एक भगवती जो कि रानियों की तरह वेशभूषा में रहती हैं, और फिर एक भगवती जो बंगाल में स्थित है, जो मसानी है, जिनकी आरती तब तक नहीं होती जब तक वहां महामशान में लाश न जले। तो भगवती का राजसिक से ये तामसिक जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में आज आपको बताएंगे। वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से माँ भगवती तारा दूसरी महाविद्या की दीक्षा ले ली, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे भगवती तारा का की दर, के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करो, वो सिखाओ मुझे कि कैसे उनको मैं देख सकता हूं। तो उनको बोला गया कि आप जो है, जो वर्तमान उड़ीसा प्रदेश है, वहां जाकर के माँ तारा भगवती की साधना करिए, आपको भगवती के दर्शन हो जाएंगे। वशिष्ठ मुनि लगे रहे वहां सालों तक, लेकिन भगवती तारा का उनको दर्शन नहीं हुआ। फिर वो आए गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज, माँ तारा के दर्शन नहीं हुए, क्या करें अब हम? उनको फिर कामाख्या भेज दिया कि आप कामाख्या चले जाइए, वहां पर जब आप भगवती की साधना करेंगे तो आपको भगवती का दर्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरी बार फिर बड़े रुष्ट होकर के लौटे, बोले कि गुरु महाराज ये बात सही नहीं है, मैं सालों से तपस्या कर रहा हूँ, माँ तारा के दर्शन नहीं हो रहे, मैं कभी उड़ीसा भेज देते हो, कभी आसाम भेज देते हो, मतलब उस समय का जो नाम था। तो उन्होंने बोला कि देखो, अब अंतिम बार मैं तुम्हें तिब्बत भेज रहा हूँ, तिब्बत भेज, मतलब उस समय तिब्बत का नाम तिब्बत नहीं हुआ करता था, और वहाँ जो पंचमकार की विद्या है, चीनाचार जिसको कहते हैं, उस विद्या से जब तारा की आप साधना करोगे तब आपको तारा का दर्शन होगा। वशिष्ठ मुनि निकल पड़े, वो वहां पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनको गुरु की प्राप्ति हुई, उस गुरु से चीनाचार सीखा, और भगवती तारा को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न किया तो भगवती अवतरित हुई, भगवती को उन्होंने वचनबद्ध किया कि तुम मेरे साथ भारत चलो। तो भगवती सिर्फ एक
शर्त पर तैयार हुई कि आप जो है किसी को ये ना ही बताएंगे कि आपने मुझे सिद्ध कर लिया है। और वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े साधक थे, मतलब माँ भगवती जब उनके सामने प्रकट हुई तो उस तेज में वो माँ भगवती के चरण ही देखते रह गए, उससे ऊपर भगवती को देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है माँ, आप चले हमारे साथ। तो बिहार में एक जगह है तेलढिया करके, वहां तारा भगवती है, तारणी के रूप में। तारणी मतलब जो महादेव का भी जिन्होंने तारण किया, वो तारणी के रूप में वहां स्थापित है। तो वहां वशिष्ठ मुनि ने उनको स्थापित कर दिया। अब जब उन्होंने मुनि ने स्थापित कर दिया तो गृहिणी को लगा कि ये अब किनकी पूजा करने लगे, ना ये हमारे कुल देवता है, ना ये हमारे कुल देवी है, ना ग्राम देवता है, ना महादेव है, ना भगवती है ना। नॉर्थ में क्या है, महादेव और भगवती की पूजा ज्यादा होती है, तो कोई नहीं है। तो वो चढ़ बैठी इन पर कि आप बताओ कौन है कौन है कौन है। अच्छा, जो मुनिवर थे उनको भी लग रहा था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया, भाई साधना में माँ तारा का प्रादुर्भाव करवा देना, माँ तारा को सिद्ध करके वचनबद्ध करके भारत ले आना, ये अपने में एक बहुत बड़ा विषय था। तो उनको भी नहीं रहा गया, और तो वो अहम वश या प्रसन्नता वश या प्रेम वश किसी भी वश उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बता दिया कि हे भगवती, ऐसा है कि हमने तो भगवती तारा दूसरी महाविद्या को सिद्ध कर लिया है, और सिद्ध ही नहीं किया है, उनको हम लेकर के आ गए हैं भारत, और भारत में यहाँ पर हमने स्थापित कर दिया है। अब जो वचनबद्ध हुई थी तारा, वो अब अपने वचन से मुक्त हो गई। अच्छा, तारा तारिणी काली, ये ना सनातन शास्त्रों में एक को ही माना गया है। तो भगवती मातृ स्वरूपा थी लेकिन काली थी, और वचन टूटने का क्रोध इतना हुआ कि भगवती ने उस स्थान को छोड़ते हुए वो भ्रमण करने लगी और मसानी हो गई। वशिष्ठ मुनि को जब यह आभास हुआ तो उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, और वो उतने बड़े साधक होते हुए भी मुक्ति को नहीं पा पाए। उन्होंने फिर से जन्म लिया, और इस बार उन्होंने जन्म लिया कि हमने पिछले जन्म में भगवती को देखा नहीं था, इस बार देखेंगे भी, ठीक है। तो दूसरे जन्म में फिर उन्होंने बामा खेपा के नाम से झारखंड में उनका अवतरण हुआ, जो तारापीठ के पास ही है। और तारापीठ महामसान में जो भगवती का स्थान था, वहां पर उन्होंने बहुत तपस्या की। जो मूल मंदिर था तारापीठ में, वो अब है नहीं, वो टूट गया था। फिर एक व्यापारी ने जो अभी का मंदिर है वो स्थापित किया। लेकिन जिस पंचमुंडी आसन पर बामा खेपा बैठते थे, मतलब वशिष्ठ मुनि बैठते थे, वो आज भी है। तो पंचमुंडी आसन पर महाशंख माला, मतलब इंसानों के शरीर से जो एक माला बनती है, जो हड्डियों से माला बनती है, उससे भगवती का जाप करके उन्होंने भगवती का प्रादुर्भाव कराया और भगवती को देखा। फिर कथा है कि वहां पे मंदिर बना और बहुत तरह की चीजें होती थी, लोग इनको पागल समझते थे, तो इनको पीट भी देते थे, इनको भगा भी देते थे। तो रानी को भगवती तारा ने सपना दिया कि ऐसा है कि हम भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक बामा खेपा नहीं लाए। तो बामा खेपा जब भगवती के लिए पंडित एक बिल्कुल भोजन सजा करके लाते थे, तो पहले उसको जूठा कर देते थे कि हाँ खाना अच्छा बना है कि नहीं, अच्छा खाना बना है तभी माँ को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पंडितों को बड़ा रोष है कि बिल्कुल सब कुछ नहा स्नान ध्यान कर, हाँ सारे बर्तनों को धो करके सब कुछ बिल्कुल शिष्टाचार के साथ हम बनाते हैं कि ताकि भगवती को शुद्ध भोजन दे, और ये उसमें खा जाता है। लेकिन रोके कौन, रानी को सपना आ गया। तो आधे लोग इनको पागल समझते थे, घर वाले भी इनको पागल समझते थे, ठीक है। तो शुरुआत में जो भगवती की मूर्ति थी, वो जैसे भगवती की मूर्ति होती है ना सौम्य मातृ स्वरूपा, वैसी भगवती। अब क्योंकि मसानी हो गई थी तो जीभ निकला हुआ जैसे भगवती काली का, तो घर वालों को भी इन पे बड़ा अविश्वास था। तो एक दिन
मामा खेपा के पीछे पीछे उनकी भतीजी जो है वो चल दी छुप छुपा करके, कि ये जो चाचा बोलते हैं कि भगवती को ये हाथ से भोजन करा देते हैं जब तक ये चखते नहीं है, भगवती खाती नहीं है, तो ये पागल है कि झूठा है, दो में से एक ही चीज होगा। तो जो भगवती का जो कमरा था, जो मंदिर था, उसमें जाकर के वो छुप गई बामा खेपा के आने से पहले, एक कोने में। बामा खेपाए, उन्होंने भोजन का निवेदन किया, उन्होंने बोला ऐसा है भगवती कि अब मैं जा रहा हूं, मैं हूं बहुत व्यस्त, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि बैठ के तुम्हें खिलाऊं, लेकिन खाना मैं यहाँ छोड़ जा रहा हूं, और जितना भोजन इस कमरे में छोड़ के जा रहा हूं उसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए लौट के आऊं तो। और ये बोल के बामा खेपा ने पट बंद कर दिया। तो भगवती ने जो भोजन किया किया, और वहां पर जो उनकी भतीजी थी वो भी भोजन ही थी, भगवती के लिए तो सब भोजन, पूरा पृथ्वी भोजन है ना। तो वो जो उस बामा खेपा जी की भतीजी का जब ग्रास किया ना भगवती ने, तो जो उनके मुख पर खून लगा उसी को तारा का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए भगवती काली के और रूप में आप नहीं देखिएगा, आप देखिएगा कि बहुत जगह बहुत अजीब अजीब मूर्तियां बनाते हैं जिसमें कि खून गिर रहा हो, जीभ में खून लगा हो, है ना। लेकिन माँ भगवती तारा एक ऐसा स्वरूप है काली का जिसमें आप देखिएगा कि वो खून लगा हुआ है, तो वो दैत्यों का खून नहीं होता है। भक्त का बात मानना था कि जो जो छोड़ा है कमरे में सब खा जाना, तो खा गई भतीजी को भी। तो इस तरीके से माँ भगवती तारा, जो कि तारणी थी, जिन्होंने मातृ स्वरूप लिया था महामाया ने, महादेव के कंठ में हलाहल का जो दर्द था उसको कम करने के लिए वो मसानी बनी, और फिर भोजन पा करके वो तारा स्वरूप बना, जिसको देख के आप समझ जाते हैं ये माँ काली की नहीं, माँ तारा के का विग्रह है, स्वरूप है, ठीक है। तो यही है माँ तारा की कहानी, सिर्फ ज्ञान के लिए आप लोगों को बताया, जानना चाहिए 10 महाविद्या के बारे में। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधना सीखनी है, वो 9431185855 इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। इस पे आसन बंधन, शरीर बंधन, मंत्र यंत्र तंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, साधक का जीवन कैसे है, वो ये सब सिखाते हैं। जिनको मेरा आगे का कार्यक्रम और जिनको मेरा लिखा लेख पढ़ना है, वो www.akurtantrahas पर जाए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9431185855, या फिर कॉल मी फॉर ऐप पर rudranath@cm4 आप सर्च करें। महाभैरव आप सभी पर कृपा बरसाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदाख आदेश, आदेश।